दोस्तों जो ऊपर बैठे हैं और मेरे सामने हैं वो सब मेरी पगड़ी के समान है। जिस तरह आपके ढेरों को कोई खा नहीं सकता, पृथ्वी को ऊंचा उठा नहीं सकता, सागरों को जैसे कोई सुखा नहीं सकता, पर्वत हिमालय जैसे कोई हिला नहीं सकता, सूर्यदेव को फूंक मार बुझा नहीं सकता, इस बार मुंबई में सत्य और कांग्रेस की ताकत को कोई दबा नहीं सकता। आज चौकीदार को निपटाने आया हूं, निपटाने आया हूं। अरे रोको, अभी मत रोको, मैं धक्का मार रहा हूं, तुम छक्का मार रहे हो। चौकीदार की सुन लो, पहले चौकीदार कहा करते थे, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। अब सारे सरकारी बैंकों के पैसे लेके अमीरों को देके कहते हैं, भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो। ये चौकीदार, मैं कहता हूं, मैंने 3 फिल्में देखी थी, हीरो नंबर 1, बीवी नंबर 1, कुली नंबर 1, अब मोदी की फिल्म आ रही है फेकू नंबर 1। झूठा नंबर 1, मच्छर को कपड़े पहनाना, हाथी को गोद में झुलाना और मोदी से सच बुलवाना असंभव बात है। भाई पूछ, बरेली चले गए, भाई मुझे बरेली बड़ी अच्छी लगती, झुमका यही तो गिरा था। ये प्रधानमंत्री बिखर गया ताश के पत्तों की तरह। प्रधानमंत्री 364 संकल्प किए थे नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी, 364 संकल्प तुमने 2014 में किए थे, गंगा साफ कर दूंगा, 2 करोड़ नौकरी दे दूंगा, लोकपाल बना दूंगा, 15-15 लाख दे दूंगा, क्या आ गए? नहीं आ रहा मिला क्या बाबा जी का ढुल्लू? ठोको ताली ठोको, क्या मिला? क्या कांग्रेस, क्या कांग्रेस ने ये जो आज चक्रव्यूह रचा है इससे तुम निकल पाओगे? मैं आज तुम्हें कहता हूं नरेंद्र भाई मोदी, कि आज सवाल देश का है। वैसे तो रोज पार्टियां जीता करती हैं, लेकिन इस इलेक्शन में हिंदुस्तान हारेगा या जीतेगा, मेरी बात याद रखना। हिंदुस्तान की तरफ खड़े होकर वोट डालना और लोकतंत्र को वोट डालना, मंदिर और मस्जिद के नाम पे जो बांटते हैं, हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ जो साजिशें रचते हैं, उन्हें जवाब देना कि ना मंदिर की बात हो ना मस्जिद की बात हो, प्रजा बेरोजगार, पहले निवालों की बात हो, टोपी की बात हो, किसान की पगड़ी की बात हो, औरत के सम्मान की बात हो। मैं कुरान शरीफ के आगे झुकता हूं, मैं मंदिर भी जाता हूं, मैं गुरुद्वारे भी जाता हूं, लेकिन मेरी भी एक सियासी किताब है और वो सियासी किताब मेरे लिए पाक है, वो हिंदुस्तान का संविधान है। मैं उसके लिए भी तुम्हारे पास आया हूं। इलेक्शन अगले इलेक्शन के लिए नहीं लड़े जाते, इलेक्शन अगली पीढ़ी के लिए लड़े जाते हैं मेरे बहनों और भाइयों। काहे का तू चौकीदार है, मच गया सारे देश में हाहाकार है। जीएसटी और नोटबंदी ने, जीएसटी और नोटबंदी ले बैठा दुकान को, कर्जा ले बैठा किसान को, नशा ले बैठा नौजवान को। अरे 15 लाख का आज भी इंतजार है, काहे का तू चौकीदार है, काहे का तू चौकीदार। ठोको ताली ठोको, 15 लाख बैंकों में आएगा बहनों भाइयों? अरे वाह 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 वाह, दुनिया में ऐसा झूठा आदमी मैंने देखा नहीं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। इंसान वो अच्छा जो वचन का पक्का, औरत वो अच्छी जिसकी आंखों में शर्म और हया होती। अगर एक भी वचन तुमने निभाया हो नरेंद्र भाई मोदी, एक भी वचन, तो आज इलेक्शन तुम्हारी तरफ पलट जाता। अरे पेट खाली, ध्यान से सुनना, पेट खाली और योगा कराया जा रहा है, यूं नीचे ऊपर आगे पीछे, पेट खाली है योगा कराया जा रहा है, अरे जेब खाली है खाता खुलाया जा रहा है।
मिलिन साहब आ रहे फोको जना ताली भाई आ गया एक मिनट पूजा करू पेट खाली है मोदी ललित मोदी
और तीसरा नरेंद्र भाई मोदी जो बैठ गया अंबानी की गोदी ठोको चाली। कभी चौकीदार किसी गरीब के घर के बाहर खड़ा देखा? कभी चौकीदार किसी झोपड़पति में खड़ा देखा? कभी चौकीदार किसी किसान के घर के बाहर खड़ा देखा? चौकीदार खड़ा रहता है अंबानियों की बिल्डिंग के बाहर, जहां गरीब का आम आदमी का जाना वंचित है। सुना है सरहदों पे तनाव है, जरा पता तो करो क्या चुनाव है। ठोको तली, भागते हो आज फौज के कंधों से, सियासी तीर चलाते हो तुम आज। पहले जब आतंकी हमले होते थे मुंबई में हुआ तो लोग इस्तीफे मांगते थे, शिवराज पाटिल साहब ने इस्तीफा दिया, उनके साथ विलासराव देशमुख साहब ने इस्तीफा दिया। लेकिन अब जब चुनाव होते हैं तो वोट मांगे जाते हैं, वोट मांगे जाते हैं, मोदी जी की सेना कह के वोट मांगे जाते हैं। तुम्हारे लोग हेमंत करकरे साहब का, आज मोदी साहब तुम बोले हो, तुम देशभक्त कहते हो, जो हेमंत करकरे साहब जैसे पुलिस अफसर का सम्मान नहीं कर सकता, जो किसान की पगड़ी का सम्मान नहीं कर सकता, जो औरतों का सम्मान नहीं कर सकता, वो कहां का देशभक्त है? तुम्हारे लिए तो अंबानी गाते हैं बस, नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहां का दर्दान अंबानी अडानी जैसा मिलेगा। ठोको तली, कहां है रोजगार? चाइना का जीडीपी 6.2, 6,50,00,000 नौकरी मिल रही है, 6,50,00,000, और तुम कहते हैं 8.2 तुम्हारा जीडीपी है, 8,00,000 नौकरी मिली है। ना राम मिला ना रोजगार मिला, हर गली में मोबाइल चलाता हुआ एक बेरोजगार मिला। ठोको ताली। और यही हकीकत है, नोटबंदी नोटबंदी के साथ जीएसटी, जब तुमने नोटबंदी लगाई कोई अमीर आदमी खड़ा देखा कतारों में? कोई अमीर आदमी था? कोई अंबानी अडानी खड़ा हुआ देखा? लेकिन तुमने जीएसटी लगाई और लाखों लोग सड़कों पे आ गए, फिर तुम्हारी चाय पकने लगी थी, जनता किसी और से पकने लगी थी, और तभी जीएसटी घटने लगी थी। ठोको ताली। हम लोग आपसी भाईचारे पे खड़े हैं, हम लोग उस ईमान पे खड़े हैं। तुमने और तो और नोटबंदी में नोट गुलाबी कर दिए, नोट गुलाबी कर दिए, गाल गुलाबी तो सुने थे, नोट गुलाबी कर दिए। बाहर 1,000 रुपए का नोट बंद होता था, 500 का नोट बंद होता था, 100 का चालू होता था। अमेरिका में $10,000 बंद किए, $5,000 बंद किए और $100 चालू किए। इंग्लैंड ने £5,000 बंद किया, £1,000 किया और £50 चालू किया। ये कौन सी उल्टी गंगा बहाई नरेंद्र भाई मोदी के? 500 का नोट बंद किया, 1,000 का नोट बंद किया और 2,000 का गुलाबी कर दिया, गुलाबी। अमित शाह के बैंक में 735 करोड़ जमा हुए, मुंडे मैडम के 800 करोड़ जमा हुए 5-5 दिन में। यदि एक घंटे में 12,000 लोग 2,500,000 रुपए जमा कराते तो जाके वो नोट जमा होते। 12 बंदे अगर कोऑपरेटिव बैंक में खड़े होकर इतने नोट जमा करा दे, मैं तेरी टांगों के नीचे से निकलता हूं नरेंद्र भाई मोदी। तुमने गरीब के लिए किया क्या है? 2,200 करोड़ लोग, 2,200 करोड़ रुपया आज देश के 1% अमीर कमा रहे हैं,
और गरीब किसान, गरीब आदमी अगर लोन लेता है 2000 रुपए की किस्त नहीं देता, तुम अंदर देते हो, जेल में ठुकवाते हो। लेकिन अगर अंबानी और अडानी नहीं देता तो तुम उसके जहाज में चढ़ के जाते हो। तुम अंबानियों के हो, तुम अडानियों के हो, और आज यहां फैसला होके रहेगा। दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी कजा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी सजा को पाएंगे। और खाक नशीनों, उठ बैठो, जब वक्त कहां आन पहुंचा है, जब तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे। और मैं नीलम भाई के लिए कुछ मांगने नहीं आया। कौन कहता है कि वो परमात्मा किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में छुपा है? जैसे तिलों में तेल छुपा है, सागर में लहरें, फूलों में खुशबू, गन्ने में गुड़, दूध में मक्खन, वैसे ही वो परमात्मा हरि नारायण अल्लाह बनके तुम्हारे भीतर छुपा है, तुम्हारे अंदर छुपा है। इसलिए मैं कहता हूं, मिलन भाई को मांगना नहीं आता, इसे अपना बना लो, सुख दुख का साझी बना लो। फिर देखो कांग्रेस की मोटर चली पम पम पम। सारी रात चतुर की एक खड़ी ठोको ताली। राहुल गांधी ने कहा 2 महीने में नहीं, 10 दिन में कर्जे माफ हो गए। हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं? अब मैं तुम्हें वचन देता हूं, नेक मां का दूध पी के, नेक मां का दूध पी के मैं तुम्हें वचन देता हूं, मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद सब पे लेके मैं तुम्हें वचन देता हूं मेरे भाई, कि तुम्हारे मकान जो गरीबों के लिए स्कीम चलाई थी, कांग्रेस की स्कीम थी, 500 स्क्वायर फुट के मकान आप सबको फ्री दिए जाएंगे। मैं आपको वचन देता हूं, यह वचन देता हूं आपको, 300 स्क्वायर फुट से 500 स्क्वायर फुट। और दूसरा, 72,000 रुपया, 15 लाख का जुमला चला गया ना, 72,000 रुपया चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, जिसके घर में एक टाइम रोटी नहीं मिलती, 72,000 रुपया आपके घर में बैठे हुए आपको मिलेगा मेरे भाई और बहनों, आपके घर में बैठे हुए आपको मिलेगा। यह आपको तय करना है, यह आपको तय करना है कि हिंदुस्तान के संविधान को जिताना है, किसान की पगड़ी को जिताना है। और आने वाले समय में पूरे दिन जाने वाले हैं और राहुल गांधी आने वाले हैं। बोर्ड पे लिखा है अब की बार मोदी सरकार, मैं कहता हूं अब की बार बस कर लिया। ठोको ठोको ताली ठोको, मैं बोलूंगा अब की बार तुम कहना बस कर लिया, अब की बार 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 बस कर लिया। भगत सिंह कहा करता था, 10 मिनट बाकी, पीपल के पत्ते हुए, पीपल के पत्तों को सूखे खड़खड़ करते हुए, और पिपली दिया पत्ते हुए, खड़खड़ 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 लगाई है, अरे पुराने पत्ते छड़ गए सारे, अब रुक मिलिंद गोरा की आई है, अब रुक गांधी की आई है। मेरे भाइयों, अब 10 मिनट रह गए, मैं जब जवान होता था, अभी भी जवान हूं, तो छक्का मारता था बॉल बाउंड्री पार, ऐसा छक्का मारो मोदी को महाराष्ट्र के पार, बीजेपी को महाराष्ट्र। मैं सबसे पहले हमारे खास मित्र पंजाब की शेर नवजोत सिंह सिद्धू का मैं आपकी तरफ से बहुत बहुत उनका स्वागत और उसके बाद इस्तकबाल करना चाहता हूँ। इसके साथ साथ मैं हमारे बड़े भाई संजय दत्त जी का मैं इस्तकबाल करना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ। इनके स्वर्गीय वालिद साहब, सुनील दत्त साहब, हर इलेक्शन में मेरे स्वर्गीय पिताजी मुरली देवरा जी के लिए प्रचार करने हमेशा आते थे, इसलिए संजू आप हमारे साथ ले आए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। दोस्तों, सिद्धू जी ने आपको बताया कि 5 साल पहले
मोदी जी ने देश के सामने कितने सारे वायदे दिए, उन्होंने बेरोजगारी हटाने का एक वायदा दिया, महंगाई कम करने का एक वायदा दिया और हर एक मुद्दे को लेकर वे पूरी तरह से पिछले 5 वर्षों में फेल हो चुके हैं। और आज मैं मानता हूं जब वे देश को और देश के मतदाताओं को भावनात्मक मुद्दों में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका साफ मतलब है कि नौजवानों को रोजगार देने में, महिलाओं के लिए महंगाई कम करने में वे पूरी तरह से विफल और नाकाम रह चुके हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जो सिद्धू जी ने कहा कि आज भारत और पाकिस्तान के बीच जो सबसे बड़ी अंतर है, क्योंकि दोनों देश 1947 में आजाद हुए लेकिन पाकिस्तान में, मैं आपको पूछना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि इतने बार पाकिस्तान की सेना ने लोकतांत्रिक सरकार को स्थिर बनाने में सफल क्यों हुई, हिंदुस्तान ने एक बार भी हमारी सेना ने सरकार के खिलाफ एक कूल नहीं किया, क्यों? क्योंकि हमने और खास करके कांग्रेस पार्टी ने देश की सेना का राजनीतिकरण कभी नहीं किया। जो आज अफसोस की बात है कि नरेंद्र मोदी जी, भाजपा सरकार, शिवसेना यही कर रही। और मुंबई करों को मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि आज इसी वक्त नरेंद्र मोदी जी मुंबई में BKC में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, जब हमारे शहीद हेमंत करकरे जी, जिन्होंने मुंबई शहर की रक्षा के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे मुल्क के लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी थी, कुछ ही दिन पहले भाजपा के उम्मीदवार प्रज्ञा ठाकुर जी ने जिस प्रकार से उनका अपमान किया, मैं मानता हूं कि यही लोग असली देशद्रोही हैं, जिन्होंने हमारे शहीदों का अपमान किया, जिन्होंने हमारी सेना का अपमान किया, जिन्होंने हमारे पुलिस कर्मचारियों का अपमान किया। और सिद्धू जी ने आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री के भाषण जो आधे घंटे पहले हुए, आधे घंटे के भाषण में उन्होंने एक बार भी शिवसेना का नाम नहीं लिया। इसका साफ मतलब है, जो मैं पिछले कई दिनों से कहते आ रहा हूं, कि इनकी बनावटी सरकार है, बनावटी गठबंधन है। और कुछ ही दिनों के अंदर जब चीफ मिनिस्टर की कुर्सी की सवाल आएगी, आने वाले दिनों में जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव आएगी, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, दावे से कह सकता हूँ कि इनकी UP टूटने वाली है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि इस क्षेत्र के लिए, इस हल्के के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या काम किया। मैं और एक बार आपको कहना चाहता हूँ, आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि हम शिवसेना, भाजपा जैसे ताकतों के खिलाफ लड़ रहे हैं। जो भी व्यक्ति सेक्युलर सिद्धांतों में विश्वास करते हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख, कि भारी संख्या में उतरकर नरेंद्र मोदी जी, शिवसेना, ठाकरे परिवार, इनके सिद्धांतों और विचारधाराओं के खिलाफ पूरी तरह से मिलकर ताकत लगाकर इन्हें हराइएगा। क्योंकि शिवसेना ने दिसंबर के महीने 2018 में कहा चौकीदार चोर है, और आज नरेंद्र मोदी जी मुंबई में हैं। मैं उनके लिए एक खास शेर आपके सामने रखना चाहता हूं। वतन को दुश्मनों से नहीं, गद्दारों से खतरा है। वतन को दुश्मनों से नहीं, गद्दारों से खतरा है। और देश को चोरों से नहीं, चौकीदारों से खतरा है। शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं, और मेरे बड़े भाई संजय दत्त जी से निवेदन करूंगा कि मैं आपसे 2 शब्द कहूं। सलाम अलैकुम भाई। यार मैं अपनी बहन के पास जाके आया, थोड़ा प्रचार विचार किया, मजा आया। ऐसा लगता है कि जीत जाएगी, आप लोगों की दुआ से। मिलन के पिताजी मेरे पिताजी जैसे थे, ये मेरा भाई है। मैं आया हूँ ये बोलने के लिए कि भैया बटन दबा के मिलन को लेके आने गए क्या, वो बाजू वाले की वाट लगाने का है क्या। हाँ, अब उन ज्यादा भाषण भीतर नहीं देते, क्योंकि भाषण में क्या है, इसने वो किया, उसने ये किया, अब उनको काम करके दिखाता है, समझा। तो अगर मिलन को भारी वोट देंगे ना, ये भाई मैं गारंटी देता हूँ, ये तुम लोगों का काम ना 1 मिनट में करते रहेगा। तो मैं तुम्हारा मुन्ना भाई तुमसे
विनम्रता से बोलता है कि मिलिंद को भारी से भारी वोट से जीता लेगा है। फिर उसके बाद में अपन देगा 50 करोड़।